हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंपटीशन सीरीज स्टार्ट करेंगे और इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, यदि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 PQ, देन पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू वाट। हमको ये वैल्यू फाइंड करना है और इसका वैल्यू गिवेन है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं फटाफट से। पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी, एलसीएम ले लेंगे तो पी और क्यू का एलसीएम पी क्यू आ जाएगा। पी और पी यहाँ मिल जा रहा है, क्यू क्यू मिल जा रहा है, पी बच गया तो पी इंटू पी पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर पी पी मैच कर गया, क्यू बच गया तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी 7 PQ है, तो इस चीज़ के जगह पर हम लोग ये वैल्यू यहाँ रख देंगे 7 PQ। इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ गिवेन है, तो 7 PQ हम लोग यहाँ रख दिए। डिनोमिनेटर में हमारा यहाँ पी क्यू है पहले से हर में, तो पी क्यू कट जाएगा तो बचेगा 7। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 25 पर पावर 11 गुना 10 पर पावर 6 गुना 14 पर पावर 5, इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल लेते हैं। 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और इस पर पावर 11 है। 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 = 10 और इस पर पावर 6 है। और 14 को लिख सकते हैं 2 × 7 = 14 और इस पर पावर 5 है। अब अलग अलग कर देते हैं, पावर पे पावर गुना हो जाएगा तो 11 × 2 = 22 हो गया। उसके बाद 2 पर पावर 6 हो गया, 5 पर पावर अलग अलग कर देते हैं दोनों को, 6 हो गया, और गुना फिर 2 पर पावर 5 हो गया और 7 पर पावर 5 हो गया। तो सब पावर को जोड़ लेना है, इससे ये पता चलेगा ये 2, ये 5, 2, ये 2, 5, 7, ये सब जो है यही मेरा अभाज्य गुणनखंड है। और ये कितना है, जैसे 5 यहाँ 22 है, 2 6 है, 5 6 है, तो इसी तरह काउंट कर लेना है। तो ये 6 6 12 5 5 10 12 10 22 22 44, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 44 है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, रूट अंडर 33 − √35। यहाँ हम लोग को देखना है इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो पार्ट है ये ए और बी है, वर्गमूल कब निकलेगा, जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ए पता करना है और बी पता करना है, तो हम देख रहे हैं ये जो टर्म है हमारा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कैसे पता चलेगा, 33 में ये 3 + 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। −4√35 जो है ये टर्म मेरा, ये 2ab है अभी, ठीक है। तो −4 को लिखेंगे 2 × 4 और 35 को लिखेंगे √7 × √5, 7 × 5 दिस। अब ये तो 2, ये 2 में मिल गया, ठीक है, ये मैच हो गया। ए बी में इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं कि दोनों का जो स्क्वायर का जोड़ है वो 33 आता है कि नहीं। तो 2√7 का जब स्क्वायर करेंगे और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 4 = 28 हो गया, और √5 स्क्वायर से रूट कट गया, 5 × 28 = 5 = 33, तो मैच कर गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमको चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ ए के जगह पर है हमारा 2√7 और माइनस बी के जगह पर है √5, इसका होल स्क्वायर ओवर रूट, ये रूट से कैंसिल आउट, 2√7 − √5 हमारा आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि x + 1/x = 3, तो x − 3 का 3 पावर 7 है प्लस 1 × 1/x^7 है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x + 1/x = 3 है, ये +3 को इधर ले आएंगे तो x − 3 हो जाएगा, और 1/x जो प्लस में उधर चले जाएगा −1/x हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब जो है हमारे पास उसको लिखते हैं x − 3 पे पावर 7 और +1/x/7, तो x − 3 पर पावर 7 है और x − 3 का वैल्यू है −1/x, तो इसका वैल्यू जो हम लोग रखेंगे −1/x रख लेंगे और पावर हो जाएगा 7 + 1/x/7, −1 पर पावर 7 तो −1 x/7 और +1/x/7 नेगेटिव और पॉजिटिव ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एंगल BAC इज इक्वल टू 70 डिग्री, BIC इज इक्वल टू R। तो BAC कौन है, BAC ए बीच में है, BAC ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, और BIC इज इक्वल टू R, BIC ये हमको मांगा जा रहा है। तो जब भी इस तरह का रहेगा और कोण, ये जो कोण है वो केंद्र पर नहीं है, वो परिधि पर का कोण है, तो परिधि पर जब कोण रहेगा तो हम लोग इस तरह निकालेंगे। केंद्र पर का कोण निकालने के लिए 90 + a/2 ये फॉर्मूला है, तो ए मतलब हो गया जो हमारा गिवन एंगल है जो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो केंद्र पर का जब भी कोण निकालेंगे तो 90 + परिधि पर का कोण / 2, तो 90 + ये हमारा 70 दिया हुआ था, बटे 2
90 प्लस 35 125 डिग्री। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें ढाल निकालना है 9x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। तो बहुत ही शॉर्टकट तरीका है ढाल निकालने के लिए, जो भी x का गुणांक रहेगा उसमें माइनस देना है, ठीक है, जो भी x का गुणांक है उसमें माइनस देना है और जो y का गुणांक है उसको बटे कर देना है बस। अब रूल्स क्या है, रूल है कि हमारा स्ट्रेट लाइन का समीकरण है तो y बराबर mx प्लस c के रूप में ले आते हैं। अगर दूसरे तरीके से बनाना है तो यहाँ से हम लोग y का मान निकालते हैं, तो 5y बराबर हो जाएगा ये 8 और ये 9x प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस 9x, और y बराबर ये 5 दोनों के बटे में जाएगा तो 8 बटे 5 माइनस 9 बटे 5x, तो y बराबर माइनस 9 बटे 5x और प्लस 8 बटे 5, ये हमारा समीकरण आया। अब हम देख सकते हैं y बराबर ये पूरा m है mx प्लस c, तो y बराबर mx प्लस c, ये m जो होता है ये हमारा ढाल होता है, तो माइनस 9 बटे 5 माइनस 9 बटे 5, m बराबर माइनस 9 बटे 5। तो शॉर्टकट तरीका यही है कि x का जो गुणांक है उसमें माइनस देना है और y का गुणांक को बटे कर देना है बस। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, अगर आपको अर्धवृत्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला है बराबर आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का स्क्वायर कर देना है। आपके पास यहाँ व्यास d आपको 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या आपके पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो अर्धवृत्त में त्रिभुज का क्षेत्रफल आर स्क्वायर मतलब 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देना है, ये हो गया 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन हमारे पास त्रिकोणमिति से है, कॉस थीटा प्लस रूट थ्री साइन थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा का वैल्यू क्या है, दो तरीका है निकालने का, पहले हीट एंड ट्रायल करते हैं, हीट एंड ट्रायल का मतलब ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन से बनाएंगे तो LHS पार्ट लेंगे और RHS लाना होगा, तो ऑप्शन अगर A लेते हैं तो A ऑप्शन में 0 है हमारे पास, और कॉस थीटा है, थीटा के लिए हम लोग 0 लिए हैं, अभी हमारे पास ये इक्वल टू को हम लोग अभी छोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो A का मान 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो कॉस 0 का मान हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर रूट 3 और साइन थीटा, साइन 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू रूट 3 0, 0 प्लस 1 ये हमारे पास 1 आएगा, तो 1 नहीं है 2 है, तो पहला हमारा पहला काम नहीं किया। अब हम लोग 30 ले लेते हैं, 30 लेंगे तो कॉस 30 है, कॉस 30 का मान हो जाएगा कितना 1/2 और प्लस कॉस 30 का मान रूट 3 बाई 2 एंड रूट 3 इंटू साइन 30 लगेगा, तो साइन 30 का मान 1/2, तो ये हो गया रूट 3 बटे 2 और प्लस रूट 3 बटे 2, तो 2 रूट 3 बटे 2 हो गया, 2 2 कट गया, रूट 3 बचा, ये हमको नहीं चाहिए, तो ये भी क्या हुआ ख़त्म हो गया। अब 60 लेते हैं तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 प्लस रूट 3 को रखें हम लोग, साइन 60 का मान होता है रूट 3 बाई 2, हल करते हैं रूट 3 3 बाई 2, 2 टू एलसीएम 1 प्लस 3 4 बाई 2, ये कैंसिल होके 2, तो 2 आ गया, RHS मतलब किसने फॉलो किया 60 डिग्री हमारा, तो थीटा हमारा हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। दूसरा प्रोसेस देखते हैं इसका, इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे प्रोसेस बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग 2 से पूरे में भाग दे देंगे, इससे क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा प्लस रूट थ्री बाय 2 साइन थीटा, 2/2 कट के 1 हो जाएगा, तो 1/2 किस में होता है साइन 30 में होता है, कॉस थीटा को रख लिए, और रूट 3 बाय क्या होता है कॉस 30 में होता है और इंटू साइन थीटा, और बराबर 1 को हम लोग रहने देते हैं अभी, तो फॉर्मूला यहाँ लगेगा, फॉर्मूला लिख देते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अब बराबर है हमारे पास बराबर, इसको बॉक्स में कर देते हैं, ये हो गया फॉर्मूला। अब तो ए के जगह पर हमारे पास 30 है, बी के जगह पे थीटा है, ए 30 है और बी थीटा है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ए प्लस बी के लिए, ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी के लिए होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए हमारा 30 है और बी हमारा थीटा है, यहाँ भी वही है, और बराबर 1 जो है 1 होता है साइन 90 में, साइन साइन कट गया, तो 30 प्लस थीटा बराबर हो गया 90, थीटा बराबर 90 माइनस 30 60 डिग्री, हमारा पहले भी आंसर निकला था 60 डिग्री हीट एंड ट्रायल मेथड से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, एक ताश के 52 पत्ते में से 2 पत्ते निकाले गए हैं, इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ताश में सब पत्ता कितना कितना होता है, इक्का कितना होता है, बादशाह क्या बेगम सब पता होना चाहिए, तो यहाँ पे इक्का बोला तो इक्का 4 होता है, तो 52 में से 2 पत्ता निकाला गया है और वो इक्का होना चाहिए, तो इक्का हमारे पास कितना है 4 है, तो अगर हम देखें 4 पत्ता निकाला गया है इक्का,
दो पता निकाला गया है और वही चार इक्के में से दो इक्का को निकाला गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे 52C2, 52 पत्ते में से कितना पत्ता निकाला गया, दो पत्ता, ठीक है। ये कुल घटना है हमारे पास, और घटित घटना हमारे पास जो है वो इक्का हमारे पास चार था, 52 में इक्का चार था और चार में से दो इक्का निकाला गया है, इसको सॉल्व करना है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि टोटल पत्ता 52 था, 52 पत्ते में से दो पत्ते निकाले गए, टोटल पत्ता 52 था, 52 में से दो पत्ता निकाला गया, इसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है। अब जो 52 में इक्का हम जानते हैं चार गो है तो, और पत्ता हम लोग टोटल दो गो निकाले हैं, तो चार इक्का में से दो इक्का निकाले हैं, इसको सॉल्व करना है। आप लोग 11 में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो ये देखिए उतना नहीं जाना है उसमें फॉर्मूला में। तो जैसे 52 का दो टाइम्स है तो 52 को हम लोग दो बार लिखेंगे, तो दूसरे बार जो लिखेंगे वो घटा के लिखेंगे और नीचे जो दो है इसको भी घटा करके लिखेंगे। तो पहले 52 फिर 51 फिर दो और एक, इसको हल कर लेना है। तो ये हो गया 26×51, ये हमारा कुल घटना हुआ, कुल घटना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4C2 है, 4C2, तो चार को दो बार लिखना है, तो एक बार चार और एक बार तीन, दो को लिखना है तो 2×1, तो 2×2=4, तो 2×3=6 निकला। ये है हमारा घटित घटना, घटित घटना। तो अभी प्रायिकता निकला नहीं है, अब हम लोग प्रायिकता यहाँ पर निकालेंगे, घटित घटना बटे कुल घटना, ये सूत्र है। या नहीं तो हम लोग ये भी लिखते हैं, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, टोटल आउटकम्स और अकॉर्डिंग टू इवेंट। तो कुल घटना हमारे पास है 26×51 और घटित घटना हमारे पास 6 है, तो 2 से हो गया 13 और 2 से हो गया 3, फिर 17×51, तो 1/13×17, एक गुना करके कितना आएगा, 221। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।